ऐसे टुकड़े टुकड़े जो है वो जोड़ना पड़ रहा है। देखो अभी इसको भी जो दो, ये दो पीस में था, उसको एक वन पीस किया आप ऐसे चिपका के। अभी बजे सुबह के लगभग 8:30 और ये देखो नज़ारा। तो अपने भाई की चल रही है यहाँ पे गरबे की तैयारी। अभी आए एक गाड़ी बुक करने काम के लिए। समाधि है बाजीराव मस्तानी, उनकी जो पत्नी थी मस्तानी, उनकी दिखाता हूँ आपको। भाई क्या मंदिर है, कोई बोल ही नहीं सकता ये मंदिर है, बल्कि मुझे एक किले के जैसा ही लग रहा है। यहाँ की पूजा पद्धति कैसे रहती है कि दशहरा के टाइम में जो है ना एक बलि दी जाती है वहां पे बकरे की, तो नैवेद्य रहता है उसको खींचने के लिए जो भूत रहते हैं, आत्मा जो रहती है वो खींचने की कोशिश करती है, ऐसे मुझे वहां पे पता चला। अभी नवरात्रि की जो है वो तैयारी चालू हो गई है, मंडप डाल रहे हैं अभी लोग। तो हमारे सोसाइटी में जो है वो नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। दिखाऊंगा मैं थोड़ा थोड़ा आपको इस ब्लॉग में, वही दिखेगा। यहाँ से जो है वो मंडप जो है वो उधर तक रहता है। तो हो गया अब इसे पर्दे जो है वो लगाने का है। तो देवी की तैयारी जो है वो तो चल ही रही है, साथ में अपने भी काम की जो है वो तैयारी चल रही है। तो अभी कैसे टीम बढ़ गई है ना, तो उनके ट्रैवलिंग के लिए एक गाड़ी अरेंजमेंट करनी थी। अभी न्यू गाड़ी तो लेना है, तब तक जो है वो अरेंजमेंट करेंगे। इसकी वजह से एक स्टॉक में गाड़ी थी भाई की, तो उसको जो है वो थोड़ा सा टूट गया था, तो उसको अभी मैं ही जोड़ रहा हूँ। ये ऐसा टूटा हुआ है ये, अभी इसको जोड़ता हूँ, फिर जोड़ने के बाद आपको दिखाता हूँ। ऐसे टुकड़े टुकड़े जो है वो जोड़ना पड़ रहा है। देखो अभी इसको भी जो दो, ये दो पीस में था, उसको एक वन पीस किया यहाँ पे चिपका के। अभी ये यहाँ पे इसको चिपकाऊँगा, मेरे अत्थे के बेटे उसने ठोकी थी इसको। हो गया जोड़ के, यहाँ से जो है वो ज़्यादा क्रैक था, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा जो है वो कॉटन लगाया मैंने, और उस पर जो हार्ड वाला फेविक रहता है वो लगा दिया, इससे पूरी तरह से जुड़ गई अभी ये गाड़ी, आवाज़ नहीं करेगी। अभी बजे सुबह के लगभग 8:30 और ये देखो नज़ारा। ये खड़कवासला डैम है, तो देवी के लिए जो तैयारी, घर घर जो साफ सफाई करते हैं उसके लिए लोग जो है वो अपने जो चीज़ें रहती है वो धोने के लिए कैसे आते हैं। देखो मैं भी अभी एक जन को छोड़ने को आया था, सोचा आपको भी दिखा दूँ। मेरे को लगा ही था थोड़ी देर पहले ये स्टेयर चढ़ के ऊपर आ रही है, मतलब इधर ही सोएंगे। देखो अभी कैसे आके बैठी, मेरे को देख के उठ गई। बस बस निवाद, बस कहीं नहीं कर, बस अभी भागने को देख रही थी, डोर लॉक के देख के वापस आके बैठी। जाए थे तुला बाहर, ये इकड़े अभी जाएगी बाहर। टाटा। अब देखो अपने ये घर से समझ के किधर भी कैसे भी सोती है, कभी कभी तो रात में जब आती है ना मेरी छाती पे ही सो जाती है। अभी ये गाड़ी बहुत दिनों से रुक गई थी ना, अभी देखो इसका टायर है ना, चलते चलते अचानक ही उसमें क्या हवा जो है वो ख़त्म हो गई। मैं जा रहा था बाहर, जा रहा भाई को जो है वो ये साउंड देने के लिए, गरबा का जो वर्कशॉप वो ले रहा था, तो अभी पहले ही लेट हुआ उसमें भी, इसके बीच में ये सब हुआ। अभी इधर कितना टाइम जाएगा पता नहीं। अभी ट्यूब का यही निकल गया है, देखो पड़ गया। हाँ बहुत दिन रुकने के कारण हुआ ने। हाँ। से तो अपने भाई की चल रही है यहाँ पे गरबे की तैयारी। लेट हो गया फिर भी कोई टेंशन नहीं, आ गए, ट्यूब ही चेंज करना पड़ा पूरा का पूरा। हो गया फाइनली कंप्लीट, अभी स्ट्रेचिंग होगी। अभी आए एक गाड़ी बुक करने काम के लिए। कुछ इस तरह से जो है वो इस साल का जो है
वो देवी का मंडप डाला हुआ है पूरा, वहाँ पे जो है वो मेन मंडप है। रात में कुछ इस तरह से दिखता है और ऊपर मंडप है। अभी थोड़ी देर बाद जो है वो देवी की मेरुनक जो है वो चालू हो जाएगी, मूर्ति जो है वो स्थापना करेंगे आज। आणते उद्या पाळावा जाताला, उद्या फक्त मी बोललं नंतर मीटिंगला ये। हां मी सांगतो तुला, सांगतो तुला, तुझं सकाळी काम करून आल्यानंतर तुला दिवसभर फ्री येते तू। ये देखो महारानी जी सोई हुई है। अभी जा रहे हैं हम बाहर, तो ये गढ़ किले संवर्धन संस्था जो है उसके अध्यक्ष साईनाथ जोशी, इन्होंने मुझे अभी फोन किया था कि चलो तुम्हारे को एक दो तीन जगह जो है वो दिखाता हूँ। अभी नवरात्रि चल रही है तो देवी का एक दो मंदिर है वो आपको दिखा के लाता हूँ। तो मैंने बोला चलो घर में बैठने से अच्छे जाके देख के आएंगे, आपको भी दिखाता हूँ। चलो अभी यहाँ पे हो गई गॉगल्स और मेरे मुँह पे जो कपड़ा है उसकी शॉपिंग। अभी खाते मिसल। हेलो भाऊ शिरपोली पण आहे बघ, शिरपोली उसी रोड से जा रहे जिस रोड से मैं जब मैं 90 चक्कर के लिए थोड़ा सा लोकेशन खोजा था ना मल्टन वाला, तो उसी रोड से जा रहे उधर से थोड़ा आगे मल्टन आएगा एक 5 किलोमीटर के बाद। आज हमारे जो लोकेशन है वो कितने अच्छे। नहीं ना जाऊ ना, दिल नहीं पहुंच गए फाइनली लगभग लगभग
दो से ढाई घंटे, तीन घंटे हो गए ट्रैवलिंग करते करते। अभी दिखाता हूँ मंदिर आपको। अभी जस्ट पैर धो के जो है वो मैं इधर रुका हुआ था, तो मेरे को एकदम छोटा सा नन्ना मुसा दिखवा देखो। कितना क्यूट है ना, तो इस मंदिर की एक पूजा पद्धति है जिसके बारे में मुझे अभी पता चला है, साई जी ने जो है मुझे बताई। मैं आपको गाड़ी पे चलते हुए बताता हूँ, यहाँ पे कुछ बोलने को चांस नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो यहाँ पे अलग अलग चीजें जो है वो भाषण जो चल रहा है, निकलते ही बताता हूँ क्या चीज़ है वो। ये देवी की मूर्ति है और ये लगभग लगभग 1000 साल पुराना मंदिर और सही टाइम पे है, अभी आरती होगी। अभी अगली देवी जो है उसके लिए हम आगे बढ़ ही रहे थे, तो रास्ते में जो है वो एक समाधि है बाजीराव मस्तानी, उनकी जो पत्नी थी मस्तानी, उनकी दिखाता हूँ आपको कब्र। सोचा मैं भी देख लूँ, आपको भी दिखा दूँ। ये है वो असली कब्र। अभी ये दूसरी देवी को आए जिसका प्रवेश द्वार ऐसा है। श्री विश्वनाथ विलासराव भगते पुणे यांनी अभी वहाँ जाना है। मस्त रोड था अभी आते वक्त, एकदम ट्रैवलिंग करते वक्त। ये है खंडोबा मंदिर। एक किले के जैसा ही दिख रहा है, चारों तरफ से पत्थरों की बड़ी बड़ी दीवारें। सब आ गए थे।
भाई क्या मंदिर है, कोई बोल ही नहीं सकता ये मंदिर है, बल्कि मुझे एक किले के जैसा ही लग रहा है ये। अभी इवनिंग हो रही है पीछे वहाँ पे, तो कैसा सनसेट एकदम एटमॉस्फेयर देखो कैसा लग रहा है। अभी बेल खाने को रुको, तो वहाँ की पूजा पद्धति जो है उसके बारे में बताना रह ही गया था, तो आपको बताता हूँ कि क्या पता चला मुझे वहाँ पे, कि वहाँ पे दो मंदिर है। तो पहले जहाँ पे गए थे हम वो दर्शन करने के लिए गए थे, तो वो बुजुर्ग जो थे वहाँ के पंडित जी, तो उन्होंने हमें जो बताया मैं आपको बताता हूँ। तो जो नया वाला मंदिर है वो एक भक्त ने जो है वो देवी से जब प्रार्थना या फिर जो कोई आह्वान करते हैं तो उसने कहा कि मुझे आप साक्षात दर्शन दो तभी मैं आपको मानूंगा, अगर आपने मुझे साक्षात दर्शन दिया तो मैं एक आपका एक बड़ा सा मंदिर बनाऊंगा, तो अगर नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा लेकिन इधर वैसे ही बैठ के रहूंगा, ऐसा उसने कहा था। तो देवी ने उसको दर्शन दिया, तब जाके वो मंदिर जो है वो वहाँ पे बांधा गया। और जब दूसरी बार हम जहाँ पे गए थे पुराना वाला जूना मतलब पुराना रहता है वो मंदिर है जहाँ पे पहली देवी प्रकट हुई थी। तो यहाँ की पूजा पद्धति कैसे रहती है कि दशहरा के टाइम में जो है ना एक बलि दी जाती है वहाँ पे बकरे की, तो उसे जो लेके जाने वाले रहते तो वो जो नैवेद्य रहते जो वो देवी को दिखाने के लिए वो पुराने वाले मंदिर में लेके जाना पड़ता है। तो नए मंदिर से पुराने मंदिर में जाने तक एक बाय रोड चलते हुए जाते जो लोग लेके जाते हैं वो, तो वो जो नैवेद्य रहता है उसको खींचने के लिए जो भूत रहती है आत्मा जो रहती है वो खींचने की कोशिश करती है, ऐसे मुझे वहाँ पे पता चला। तो वो जाके देवी को देते, वापस आने के बाद जो लेके जाते उनके बदन पे जो है वो राक्षस बोल रहा हूँ आत्मा जो रहती है उनके जो नाखूने के जो निशान वगैरह जो वो सारी चीज़ें दिखती है। तो मुझे वो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग लगा, तो सोच रहा था कि दशहरे में जाके जो है वो देखे क्या, देखते हैं अभी अगर चांस मिला तो जाके जरूर देखेंगे। अगर आपको देखना है तो मुझे बताओ, मैं जरूर ट्राई करूँगा वो जाके आपको दिखा सकूँ कि वो ऐसी चीज़ें है क्या नहीं, तो आप कमेंट जरूर करो।